मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने शर्लिन चोपड़ा एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा से 8 घंटे तक की पूछताछ। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस मामले में शर्लिन चोपड़ा को समन किया गया था शुक्रवार को ही यानी कल, और बीते कल जब 11:30 बजे के आसपास सुबह शर्लिन चोपड़ा मुंबई क्राइम ब्रांच की ऑफिस पहुंची, समय से पहले पहुंच गई थी। वो टैक्सी से गई थी, आपने देखा था सलवार सूट पहनकर गई थी वो। उसके बाद जो ये पूछताछ शुरू हुई तो 8 घंटे से ज़्यादा समय तक चली ये पूछताछ। और शर्लिन चोपड़ा इस पूछताछ के बाद जब बाहर निकली तो मीडिया को क्या कुछ बताया, पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा से क्या कुछ पूछा, इन सवाल जवाब में क्या कुछ बातचीत हुई, शर्ली ने बहुत कुछ बताया है मीडिया को। और ये मैं आपको बताऊंगा, शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत पर भी हमला बोला है। शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत को लेकर क्या कहा है और क्यों कहा है राखी सावंत को लेकर शर्लिन चोपड़ा ने जो भी कुछ कहा है मीडिया के सामने, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर ले नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहीं पर मिलती हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे शर्लिन चोपड़ा से हुई जो 8 घंटे की लंबी पूछताछ है उस बारे में कि शर्लिन चोपड़ा ने क्या कहा है मुंबई क्राइम ब्रांच को, क्या कहा है राखी सावंत के बारे में, क्या कहा है शिल्पा शेट्टी के बारे में, राखी सावंत का कौन सा बयान है जो उन्हें बहुत बुरा लग गया है, किस धारा के तहत शर्लिन चोपड़ा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो शर्लिन चोपड़ा ने मुंबई पुलिस स्टेशन से निकलकर मीडिया से बात की और कहा कि जो कुछ भी पूछा गया है उनसे वो सब कुछ उन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को बता दिया है। शर्लिन चोपड़ा ने कहा है कि कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी सेल के जांच अधिकारियों ने मुझे CRPC की धारा 160 के तहत पूछताछ के लिए समन भेजा था, मैं आज पूछताछ के लिए हाजिर हुई हूँ। उन्होंने मुझसे आर्म्स प्राइज मीडिया और राजकुंद्रा से संबंधित सभी जानकारियां साझा करने को कहा और मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया। मैं सुबह लगभग 11:30 बजे यहां पहुंची, तभी से पूछताछ चल रही है। उन्होंने मुझसे आर्म्स प्राइज के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट और उनकी शर्तों के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि आर्म्स प्राइज के साथ मैंने कितने वीडियो शूट किए हैं और कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन में कौन कौन शामिल थे और कंटेंट प्रोडक्शन में और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का हुआ था, ये सब कुछ भी पूछा है। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि उनसे राज कुंद्रा के बारे में भी पूछताछ की गई। शर्लिन बताती हैं कि मुझसे पूछा गया कि राज कुंद्रा और उनकी बाकी कंपनियों के साथ मेरे कैसे संबंध थे, पूरे दिन मैं उन्हें जानकारी देती रही। मैंने उनसे यह भी कहा कि कुछ और पूछना बाकी है और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस पोर्नोग्राफी रैकेट में पीड़ित महिलाओं और कलाकारों के लिए न्याय चाहती हूं। शर्लिन ने इस पूरे मामले में राखी सावंत पर भी हमला बोला है और उनकी बयानबाजी की तीखी आलोचना की। शर्लिन ने कहा कि राखी सावंत जैसे लोग सामने आकर कहते हैं कि राज कुंद्रा ऐसे हैं, शिल्पा शेट्टी ऐसी हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि बिना फैक्ट जाने ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। शर्लिन ने यह भी साफ कहा कि उनका किसी से कोई बदला लेने का इरादा नहीं है। बदला लेने की बात कहां से आई है, दरअसल बदला लेने की बात आई है क्योंकि शर्लिन चोपड़ा 2 बार पहले भी राज कुंद्रा पर शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं, तो कोई ये ना सोचे कि शर्लिन चोपड़ा बदला लेने के लिए यह सब बयानबाजी कर रही हैं या मुंबई क्राइम ब्रांच को यह जानकारी दे रही हैं, उनके सवाल जवाब की जानकारी दे रही हैं। शर्ली ने साफ साफ कहा कि उनका बदला लेने का कोई इरादा नहीं है, वह केवल इस पोर्नोग्राफी रैकेट की सच्चाई सामने लाना चाहती हैं। शर्ली ने यह भी कहा कि अगर किसी को इसके बारे में जानकारी है तो वो भी सामने आए और मुंबई क्राइम ब्रांच से मिले। मैंने उन्हें दिन और टाइम सही सब कुछ बताया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को मैंने व्हाट्सअप मैसेज में डेट और टाइम सब मौजूद रहते हैं, वो सब कुछ दिखाया है। मैंने उन्हें व्हाट्सअप चैट एग्रीमेंट और महाराष्ट्र साइबर सेल को दिए गए अपने स्टेटमेंट की कॉपी भी दिखाई है। मैंने अप्रैल 2021 में जुहू पुलिस स्टेशन में राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी और इस बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को आर्म्स प्राइज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौरभ कुशवाहा को भी पूछताछ के लिए मुंबई
कि क्राइम ब्रांच की टीम प्रॉपर्टी सेल की टीम ने समन भेजा था। इस बीच राजकुंद्रा की जमानत याचिका पर 10 अगस्त तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम यह बिल्कुल नहीं चाहती है कि राजकुंद्रा उनकी कस्टडी से बाहर जाएं, क्योंकि उनकी ये जो पूरी जाँच चल रही है, अगर राजकुंद्रा बाहर जाते हैं तो इस पूरी जाँच में फिर बदल हो सकता है। जो एविडेंस अब तक मुंबई क्राइम ब्रांच ने इकट्ठे किए हैं उन पर बदलाव हो सकता है। राजकुंद्रा छेड़छाड़ कर सकते हैं बाहर जाने के बाद। शर्लिन चोपड़ा के से हुई मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ और राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी के इस मामले में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।